हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सेकंड स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स में यूनिट नंबर 2। तो हमारा 2 नंबर का यूनिट है काउंटिंग इन ग्रुप्स। तो आइए देखते हैं यूनिट नंबर 2, काउंटिंग इन ग्रुप्स, यानी कि हमें काउंटिंग 1, 2, 3 ऐसे नहीं करनी है, हमें ग्रुप्स में काउंटिंग करनी है। Look and guess the number. Can you guess how many cups? हमें यहाँ पर guess करना है कि ये कितने cups है। अभी हमें यहाँ पर groups में counting करनी है, तो हम यहाँ पर ये जो 3 cups है उनका एक group बनाएंगे, फिर नीचे 3 cups है उसका दूसरा group बनाएंगे, और यहाँ पर 4 cups है तो इसका 3 नंबर का ग्रुप बनाएंगे। तो ये फर्स्ट ग्रुप में है 3 कप्स, सेकंड ग्रुप में भी 3 कप्स है, और 3 नंबर के ग्रुप में 4 कप्स है। तो अभी हमें यहाँ पर इसको गेस करना है कि सभी ग्रुप का टोटल होके टोटल कितने कप्स होते हैं। तो हमें 3 + 3 + 4 तो क्या आएगा, 10 कप्स। यस, 3 and 3 is 6 कप। फर्स्ट ग्रुप में 3 कप्स है, सेकंड में भी 3 है, तो 3 और 3 + क्या होता है, 6, एंड 4 कप्स बिलो दैट शुड बी 10 कप्स। 6 हो गए फर्स्ट और सेकंड ग्रुप दोनों मिलकर, और उसमें 3 नंबर का ग्रुप में है 4 कप, तो 3 + 3 + 4 कितने हुए, 10 कप्स। कैन यू गेस हाउ मेनी पेयर्स ऑफ शूज, हमें गेस करना है कि ऊपर दी गई में टोटल कितनी पेयर्स है शूज की। एक लाइन है, 2 लाइन और 3, टोटल 3 लाइन है, तो एक लाइन में है 1, 2, 3, 3 शूज है 1 लाइन में, टोटल ऐसी 3 लाइन है, तो हमें करना है 3 + 3 + 3 = 9। तो यहाँ पर हमें कहा गया है देर आर 3 लाइन्स विद 3 पेयर्स ऑफ शूज इन ईच लाइन दैट मेक 9 पेयर्स ऑफ शूज। तो ये तो हमें पता चल गया, एक लाइन में 3 पेयर है, ऐसी 3 लाइन है, तो 3 + 3 + 3 = 9। लुक एट हाउ डिफरेंट थिंग्स आर केप्ट इन ग्रुप्स, ट्राई टू गेस टू टोटल नंबर विथआउट काउंटिंग ईच थिंग। यहाँ पर हमें ग्लासेस दिए गए हैं, तो टोटल 4 ग्रुप है, 1, 2, 3 टोटल 4 ग्रुप है, और एक ग्रुप में 1, 2, 3 ग्लास है। तो अभी हमें टोटल काउंट करना हो ग्लास का, तो हम 4 × 3 = 12 4 × 3 भी कर सकते हैं, और एक ग्रुप में 3 ग्लास है और 4 ग्रुप है, तो हम 4 × 3 को प्लस भी कर सकते हैं, 3 + 3 + 3 + 3 = 12। तो यहाँ पर 12 ग्लास है टोटल। अभी यहाँ पर हमें बेंगल्स की कुछ पेयर यानी कि कुछ ग्रुप दिए गए हैं, तो टोटल 1, 2, 3, 4 एंड टोटल 5 ग्रुप्स है। अभी हम देखते हैं कि एक ग्रुप में कितने बेंगल्स है, 1, 2, 3, 4 and 5, तो एक ग्रुप में टोटल 5 है, 5 बेंगल्स है, और 5 ग्रुप है, तो हम 5 × 5 कर सकते हैं, इक्वल टू क्या आता है, 25, और ग्लासेस की तरह 5 को 5 बार प्लस भी कर सकते हैं, 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 25, तो टोटल 25 बेंगल्स है। ब्लैंक पेयर्स ऑफ इयररिंग्स, अभी हमें यहाँ पर काउंट करना है कि कितने पेयर्स इयररिंग्स है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12, तो टोटल 12 इयररिंग्स है। देर आर 3 ग्रुप्स ऑफ
स्पून, नीचे हमें स्पून्स के 3 ग्रुप्स दिए गए हैं। हाउ मेनी इन ईच ग्रुप्स, एक ग्रुप में कितने स्पून्स है, तो अभी हम उसे काउंट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो एक ग्रुप में 8 स्पून्स है। गेस द टोटल नंबर ऑफ स्पून, तो भी एक ग्रुप में 8 स्पून्स है, तो 3 ग्रुप में कितने होते हैं, तो हमें 8 + 8 + 8 = 24, तो टोटल 24 स्पून्स है। मोर और लेस लेट अस गेस, हमें देखना है कि क्या मोर है, यानी कि ज़्यादा है, और क्या कम है, हमें गेस भी करना है। रिंग द करेक्ट आंसर, हमें जो करेक्ट आंसर है उसके ऊपर रिंग करनी है। नंबर ऑफ टीथ इन योर माउथ, तो मोर देन 40 या फिर लेस देन 40, तो हमारे माउथ में जो टीथ होते हैं वो लेस देन 40 होते हैं, तो हमें यहाँ पर लेस देन 40 पर ऐसे रिंग बनानी है। नंबर ऑफ सीड्स इन एन ऑरेंज, तो मोर देन 50 या फिर लेस देन 50, तो ऑरेंज में जो सीड्स होते हैं वो 50 से कम होते हैं, तो यहाँ पर हमें लेस देन 50 पे ऐसे रिंग बनानी है। नंबर ऑफ मैच स्टिक्स इन अ मैच बॉक्स, तो मोर देन 30 या फिर लेस देन 30, तो अभी तो मैच बॉक्स कोई कोई बड़े भी आने लगे हैं, तो उसमें मोर देन 30 होती है मैच स्टिक, तो यहाँ पर हमें छोटा मैच बॉक्स दिया गया है, तो इसलिए यहाँ पर हम टिक करेंगे लेस देन 30। नंबर ऑफ पेंसिल्स इन योर क्लासरूम, तो अभी क्लासरूम में टोटल कितनी पेंसिल्स है उसे हमें काउंट करना हो, तो आपके क्लासरूम के स्टूडेंट्स की टोटल संख्या को काउंट करना होगा, क्योंकि अगर सभी स्टूडेंट एक एक पेंसिल लाता है तो जितनी आपके क्लासरूम में स्टूडेंट्स की संख्या है उतनी ही पेंसिल होगी। ज़्यादातर यहाँ पर है मोर देन 45 एंड लेस देन 45, तो ज़्यादातर क्लासेस में लेस देन 45 की संख्या होती है, तो हम यहाँ पर लेस देन 45 पर रिंग करेंगे। नंबर ऑफ स्पोक्स इन वन साइकिल व्हील, एक साइकिल के व्हील में कितने ऐसे जो वो वायर होते हैं वो होते हैं, तो हम यहाँ पर मोर देन 20 करेंगे, तो सभी को यहाँ पर मोर देन 20 करना है। होप टिल यू ड्रॉ, हाउ मेनी टाइम्स कैन यू होप ऑन योर राइट फुट विथाउट फ्लेन, हमें देखना है। यहाँ पर आपको एक बॉय दिख रहा है, यहाँ पर कहा गया है कि आपको अपने राइट पैर पर खड़ा रहना है और लेफ्ट पैर को ऐसे बेंड कर देना है, राइट पर खड़ा रहना है और लेफ्ट पैर को बेंड कर देना है, ऊपर ले लेना है, और फिर आपको देखना है कि आप कितने टाइम ऐसे ही खड़े रह सकते हैं, और फिर आपको यहाँ पर आंसर लिखना है कि आप कितने टाइम ऐसे खड़े रह सकते हैं। हाउ मेनी टाइम्स कैन यू होप ऑन योर लेफ्ट फुट विथाउट फेलिंग, अभी आपको लेफ्ट फुट पर रहना है खड़ा और राइट पैर को ऊपर ले लेना है, ठीक है, फिर देखना है कि आप कितनी देर खड़े रह सकते हैं और उसका आंसर यहाँ पर लिखना है। जॉइन द डॉट्स, जोजो डॉगी इज हंग्री, यानी कि जोजो डॉगी भूखा है। जॉइन द डॉट्स इन ऑर्डर फ्रॉम 21 to 52 एंड फाइंड आउट व्हाट इज हिडन फॉर हिम टू ईट, जोजो डॉगी है वो हंग्री है और हमें 22 से लेकर के 52 तक नंबर को ज्वाइन करना है, तो यहाँ पर है 21, तो 21 से लेकर के इस तरह सभी को 52 तक ज्वाइन करना है। नोटी भूरू, भूरू हैज टर्न सम पेजेस ऑफ दिस बुक, राइट द पेज नंबर इन द करेक्ट ऑर्डर,
भूरू जो है वो बहुत ही नोटी है, उसने क्या किया, बुक के पेज ऐसे फाड़ दिए। फिर वो बुक के पेज है उसमें, उसके हमें करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। तो 48 है तो उसके पहले क्या आता है, 47। 48 के बाद क्या आता है, 49। 49 के बाद क्या आता है, 50। 50 के बाद आता है 51, फिर 52 और फिर 53। तो यहाँ पर आपको इस तरह से नंबर लिख देने हैं। पजलिंग टेल, चिकू रेट हैज़ अ लॉन्ग टेल। चिकू रेट है उसकी टेल बहुत लंबी है। व्हेन ही वॉज स्लीपिंग नोटी कैट थ्रोट ऑफ ट्राइंग हिज टेल टू पोल्स। जब वो चिपकू रेट था वो सो रहा था, तभी जो नोटी कैट थी उसने ट्राई किया कि उसकी टेल को पोल से बांध दे। सी स्टार्ट फ्रॉम द पोल विथ ही बिगेस्ट नंबर, सी मूव्ड ऑन टू द स्मॉलेस्ट नंबर इन ऑर्डर। कैट ने क्या किया, सबसे बिगेस्ट नंबर था वहाँ से स्टार्ट किया और स्मॉलेस्ट नंबर तक उसे पोल पर बांधा। हेल्प हर इन ट्राइंग बट द टेल शुड नॉट क्रॉस इन सेल्फ एनी वे। हमें उसको ट्राई करना है लेकिन जो टेल है वो कहीं पर भी एक दूसरे से अड़नी यानी कि क्रॉस नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले सबसे बिगेस्ट नंबर क्या है, 37। तो 37 से लेकर के हमें 36 तक ऐसे जाना है, फिर 36 के लेकर के ऐसे 35 तक जाना है, फिर 35 से लेकर के 34 तक जाना है। ठीक है, इस तरह से आपको बिगेस्ट नंबर से लेकर स्मॉलेस्ट नंबर तक जाना है। फिर 34 से लेकर 33, फिर 32, फिर इस तरह से 31, फिर 30, 29, 28 और लास्ट में 27। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि टेल कहीं पर भी क्रॉस नहीं होनी चाहिए। द बिग कैरेट, एन ओल्ड मैन प्लांटेड अ कैरेट सीड्स। एक ओल्ड मैन था उसने कैरेट सीड्स को प्लांट यानी कि कैरेट सीड्स को कैरेट उगाने के लिए उगाया। द कैरेट ग्रू बिग एंड स्वीट, इट ग्रो वेरी वेरी बिग। पहले ओल्ड मैन ने क्या किया, कैरेट उगाने के लिए सीड्स को जमीन पर गाड़ा, फिर कैरेट उगा तो वो बहुत बड़ा और मीठा उगा। इट ग्रो वेरी वेरी बिग, वो बहुत ही बड़ा ग्रो हुआ। ही ट्राइड टू पुल आउट द कैरेट बट इट डिड नॉट कम आउट। फिर ओल्ड मैन ने क्या किया, कैरेट को बाहर निकालने की कोशिश की लेकिन वो बाहर नहीं आया। ही क्विकली कॉल्ड हिज वाइफ, फिर उसने क्या किया, अपनी वाइफ को बुलाया। द ओल्ड मैन पुल्ड द कैरेट लीव्स एंड द ओल्ड मैन पुल्ड हिम बट दे कुड नॉट पुल इट आउट। फिर क्या करा, ओल्ड मैन ने कैरेट के लीव्स को पकड़ा और ओल्ड मैन की वाइफ ने ओल्ड मैन को पकड़ा लेकिन फिर भी कैरेट बाहर नहीं आया। द ओल्ड मैन कॉल्ड हर ग्रैंड डॉटर, द ओल्ड वुमेन एंड ग्रैंड डॉटर ट्राइड बट कुड नॉट पुल द कैरेट आउट। फिर क्या हुआ, ओल्ड मैन, फिर उसकी वाइफ और ओल्ड मैन ने उसकी ग्रैंड डॉटर को बुलाया, तो फिर तीन लोग हो गए, ओल्ड मैन, उसकी वाइफ और ग्रैंड डॉटर, तीनों ने मिलकर भी कैरेट को बाहर लाने की कोशिश की लेकिन फिर भी कैरेट बाहर नहीं आया। द ग्रैंड डॉटर कॉल्ड द डॉग, द ओल्ड मैन, हिज वाइफ, द ग्रैंड डॉटर एंड द डॉग कुड नॉट पुल द कैरेट आउट। फिर क्या किया, ग्रैंड डॉटर ने डॉग को बुलाया, तो ओल्ड मैन, उसकी वाइफ, ग्रैंड डॉटर और डॉग, चार लोग हो गए लेकिन फिर भी कैरेट बाहर नहीं आया। Then the dog called the cat. Everyone pulled and the cat hand held on the dog's tail. Their carrot did not move. फिर क्या हुआ, डॉग ने कैट को बुलाया, तो ओल्ड मैन, उसकी वाइफ, ग्रैंड डॉटर, डॉग एंड कैट, पांच लोग हो गए। कैट ने क्या किया, डॉग की
टेल यानी कि पूंछ को पकड़ा और फिर सभी ने मिलकर कैरेट को खींचा, फिर भी कैरेट बाहर नहीं आया। द कैट कॉल द माउस, फिर कैट ने क्या किया, माउस को बुलाया। दे ऑल पुल्ड हार्ड टुगेदर एंड द कैरेट कम आउट, सुम दे ऑल फेल डाउन, फिर क्या हुआ, सब ने मिलकर कैरेट को बाहर खींचा और जब वो कैरेट बाहर आ गया तो ऐसी आवाज आई, झबूम, ऐसी आवाज आई और कैरेट बाहर आ गया। फिर जो रेड था ना वो कहता आई एम स्ट्रॉन्ग, दे वेर सो एक्साइटेड, सभी बहुत खुश हुए, एक्साइटेड हुए, सो दे ऑल वेंट टू द किचन टू मेक गाजर का हलवा एंड ईट इट अप, फिर सभी मिलकर किचन में गए और उस गाजर का हलवा बनाया और सभी ने खाया। लुक एट द पिक्चर एंड राइट, हाउ मैनी आर पुलिंग द कैरेट आउट, कैरेट को बाहर निकालने के लिए कितने लोग खींच रहे हैं, तो अभी हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर लिखना है 6। हु वॉज द फर्स्ट ऑन द पुल इट, सबसे पहले कैरेट को कौन खींच रहा था, ओल्ड मैन, तो यहाँ पर लिखना है ओल्ड मैन। द कैट इज ब्लैंक इन द लाइन, कैट लाइन पर कौन से नंबर पर थी, 1 2 3 4, यहाँ पर है कैट, तो कैट 5 नंबर पर थी, तो यहाँ पर लिखना है 5। हु वॉज द फोर्थ ऑन द पुल द कैरेट, नंबर 4 पर कौन था कैरेट को खींचने में, तो भी देखते हैं, ये 1 2 3 4, तो 4 नंबर पर है डॉग, तो आपको यहाँ पर लिखना है डॉग। हाउ मैनी वेर पुलिंग द कैरेट बिफोर द कैट कम टू हेल्प देम, यानी कि कैट कैट जब भी हेल्प करने के लिए आई उसके पहले कितने लोग खींच रहे थे कैरेट को, यह कैट, तो उसके पहले कितने थे काउंट करते, 1 2 3 4, तो कैट के आने से पहले 4 लोग खींच रहे थे, तो यहाँ पर लिखना है 4। मेक अ कप कैप ऑन द थर्ड वन इन द लाइन, हमें थर्ड नंबर पर है उसके ऊपर हमें कैप बनानी है, तो यहाँ पर आप लोग ऐसे कैप बना सकते हैं। मेक अ मोस्टेज फॉर द 6 वन इन द लाइन, तो 6 नंबर पर है ये, तो यहाँ पर हम ऐसे माउस्टेज बना देंगे। सीमा सेंचुरी, सीमा हैज मेड अ डिजाइन विथ डिफरेंट बिंदी, तो अभी सीमा सेंचुरी, तो यानी कि सेंचुरी यानी कि क्या, वो चाहे किसी भी चीज़ में हो, क्रिकेट में हो, खेलने में हो, सेंचुरी का मीनिंग होता है 100। सीमा हैज मेड अ डिजाइन विथ डिफरेंट बिंदीज, सीमा ने डिफरेंट बिंदी या अलग अलग तरह की बिंदी से कुछ डिजाइंस बनाए। लुक एट द ग्रुप्स एंड गेस द टोटल नंबर ऑफ बिंदीज, हमें ग्रुप को देखना है और टोटल नंबर बिंदी काउंट करनी है, तो पहले हम टोटल कितने ग्रुप है ये काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 ग्रुप्स है। अभी एक ग्रुप में कितनी बिंदी है ये काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है, तो यहाँ पर भी 10 है, तो अभी एक ग्रुप में 10 बिंदीज है, तो टोटल हमारे पास 8 ग्रुप है, तो हमें 10 प्लस 10 प्लस ऐसे 8 बार करना है, तो आंसर क्या आएगा, 80, या फिर आप 10 मल्टीप्लाइड बाई 8 भी कर सकते हैं, तो इक्वल टू 80। ड्रॉ मोर ग्रुप्स टू कंप्लीट 10
100 बिंदीज हाउ मेनी मोर बिंदीज डिड यू हैव टू ड्रॉ। अभी क्या है, हमें 100 बिंदीज टोटल होनी चाहिए, तो हमारे पास ऑलरेडी 20 बिंदीज तो है, तो 100 सब्ट्रैक्ट बाय 20 इक्वल टू 20, तो हमें 20 और बिंदी ड्रॉ करनी है, तो हमारे पास 20 बिंदी है, तो एक ग्रुप में 10 है, तो हमें टोटल 2 ग्रुप ड्रॉ करने हैं। तो आपको यहाँ पर बिंदी के ऐसे 2 ग्रुप ड्रॉ कर लेने हैं, ठीक है। तो हमारा सेकंड नंबर का लेसन यहाँ पर कंप्लीट होता है।